मुंबई में तूफान के संकट को देखते हुए बांद्रा कुर्ला कोविड सेंटर से मरीजों को अब दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता कृष्णा ठाकुर ने। हम इस समय मौजूद है मुंबई के बांद्रा स्थित बीकेसी कोविड जम्बो सेंटर के बाहर। और आपको बता दें, जिस तरीके से मौसम विभाग ने तौकते साइक्लोन को लेकर मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है, उसके बाद ये बीकेसी जम्बो सेंटर का दृश्य है। आप देखिए कि अभी रात के 1 बजे का समय हो रहा है और इस समय भी यहाँ पे मरीजों को शिफ्टिंग करने का काम जारी है। राज्य सरकार ना सिर्फ बीकेसी बल्कि अगर मैं प्रमुख तौर पर नाम लूँ तो मुलुंड का कोविड सेंटर हो गया, दहिसर का कोविड सेंटर हो गया, कुल मिला के 3 कोविड सेंटर है जिसपे कि 580 मरीज हैं, इनको शिफ्ट करने की कोशिश जारी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि कोविड के मरीज जो हैं किसी भी तरीके के परेशानी का सामना करें और यही कारण है कि समय रहते हुए राज्य सरकार इन सभी मरीजों को सेफली जगह पर पहुँचा रही है। कैमरामैन प्रमोद गुरुड़ के साथ कृष्णा ठाकुर, जी न्यूज़ मुंबई। और अब सीधे कृष्णा ठाकुर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कृष्णा, तूफान का संकट मुंबई पर भी है, किस तरह की तैयारियां और क्या फिलहाल मौजूदा हालात? श्री, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के लिए चक्रवाती तूफान का जो है जताया गया था डेंजर में, उसके बाद से जो है आपको बताऊं कि जो जितने भी सरकारी यंत्रणाएं हैं वो अलर्ट पे हैं, जो है बीएमसी को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो बीएमसी का जम्मू कोविड सेंटर है उसके बाहर का ये दृश्य है। आपको बताया कि कल शाम से ही यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको शिफ्ट करने का काम चालू है। प्रमुख तौर पे जो 3 से 4 हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल, नेस्को कोविड सेंटर जो जोगेश्वरी का है, 7 हिल हॉस्पिटल, इन सभी हॉस्पिटल्स में यहाँ से जो पेशेंट जाएंगे उनको शिफ्ट किया गया है। चूँकि जो है बारिश के साथ साथ तेज़ हवा का भी अनुमान लगाया गया है, तो ऐसे में जो सरकार कतई नहीं चाहती है कि कोविड के मरीज जो है वो किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करे, और यही वजह है कि समय रहते जो सरकार है इनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना चाहती है। हालांकि एक बात अब मैं आपको बताऊं कि रात भर हम थे यहाँ पे और हल्की बूंदाबांदी हुई है, अभी तक जो है मुंबई में इसका खासा असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन मुंबई के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। शरीन, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया यहाँ पर कृष्णा, कि अगले कुछ घंटे या फिर कितना समय हो सकता है जो मुंबई पर भारी हो सकता है? श्रीन, मैं बताऊं कि अगले 2 से 3 दिन मुंबई के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी राहत की बात यह है कि रात भर में अभी तक कुछ ऐसा खासा डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। अब आने वाले 2-3 दिनों में देखना होगा कि ये जो तूफान है मुंबई को किस तरीके से प्रभावित करता है। हाँ, मैं अगर बताऊं कि मुंबई अगर अतिरिक्त बात करें तो आसपास के इलाके हैं जैसे कि रायगढ़ हो गया, उसके बाद पालघर जिला हो गया, ये सब जगह पे जो है वो तूफान का खासा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन मुंबई में अभी तक फिलहाल इस तूफान का कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला है। आने वाले 2-3 दिनों में क्या डेवलपमेंट होगा वो देखना होगा। अच्छा, जो तटीय इलाके हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं, क्या वहाँ पर एहतियातन कोई कदम उठाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया गया है, इसे लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल शीघ्र मैं आपको बताऊं कि जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे जो मछुआरे हैं उनको बार बार जो लाइफ गार्ड हैं या नेवी के लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आप जो है वो तटीय इलाकों से बाहर रहे क्योंकि खतरा बड़ा है। और इसके लिए एक अपडेट ये भी है कि चूंकि कोविड सेंटर पे भी इन तूफान का खतरा मंडरा रहा है, इसके लिए कल और आज यानी कि 2 दिन जो है वैक्सीनेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है पहले सरकार की कि लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए। अच्छा, आप इस वक्त जम्बो कोविड सेंटर पर मौजूद हैं, तो वहां से इन मरीजों को जो वहां पर ऑलरेडी हैं उन्हें कहां शिफ्ट किया जा रहा है, कौन कौन से अस्पतालों में? जी बाप, मैं आपको बताऊं कि रात में करीबन 580 मरीजों को शिफ्ट किया गया है, जिसमें कि ये जो दादर बांद्रा का ये कोविड सेंटर है, साथ ही साथ जो दहिसर का कोविड सेंटर है और मुलुंड का कोविड सेंटर है, इन तीनों जगहों में मिला के 580 मरीज ऐसे थे जिनको शिफ्ट किया गया है। और अभी जो हमारी डॉक्टर से बात हुई है उनका ये कहना है कि अभी भी जो है वो मरीजों को शिफ्ट करने का काम चालू है। इन मरीजों को नायर हॉस्पिटल में, उसके बाद ये 7 हिल्स हॉस्पिटल है अंधेरी में, और जोगेश्वरी का नेस्को कोविड सेंटर है, इन सभी जगहों पर जो है शिफ्ट किया गया है। शेरे, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा, और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।